वीणा बज रही नारायण नारायण नारायण। माता मैना ने देखा, पधारिये देवर्ष, आज का शुभ दिन तो आपके कारण ही आया है, यह मंगलमय महोत्सव आपकी कृपा। नारद जी बोले सब भगवान की कृपा, माता हम तो माध्यम हैं। अब माता मैना ने सहजता से पूछा, नारद जी अब तो बराती आने लगे, दूल्हा कैसा है अभी पता लगेगा? भगवान विष्णु आए, ये तो नहीं, अरे मां छोटी सी बात करते हैं, आपके दामाद है ना जो भगवान शंकर, उनके ये मित्र है। अरे मित्र ऐसे तो दूल्हा कैसा अभी पता लगेगा? देवराज इंद्र दिखाई दे, ये अरे ये तो उनके नौकर चाकर हैं, पानी वानी का इंतजाम करने वाले हैं। नौकर ऐसे तो मालिक कैसा होगा, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। नारद जी बोले माता जी अब ये तो बाद में भी कहती रहो तब ना, लोग भूल जाते हैं। नहीं नहीं हम कभी नहीं भूलेंगे। अब शंकर जी आने वाले थे, नारद जी ने सोचा अब यहां खड़ा रहना ठीक नहीं है, माता जी इतने लोग हमारे परिचित हैं तो हम सबसे मिले, हम वैसे भी नहीं ठहर सकते, एक चले गए। आप तो शंकर जी आए तो और बराती तो और जगह, शंकर जी द्वार पर ही, वो तो अच्छा ये थी कि बैल पर उल्टे बैठे थे तो बैल दिखे, शंकर जी दिखे नहीं उल्टे बैठे थे। ब्राह्मणों ने कहा माता जी नंदी जी की पूजा करो, शंकर जी बड़े खुश हुए, उल्टा बैठने से ये लाभ हुआ कि नंदी की तो पूजा हुई, हमारा जो होगा तो होता रहेगा, पहले इसकी पूजा हो। अब कहा दूल्हे का परिचय हो तो दूल्हा दिखे, तो बोले बैल उल्टा हो तो दूल्हा सीधे हो, बैल को घुमाओ। और कितनी बढ़िया बात है, वाहन पर दृष्टि रहेगी तो जो वाहन में बैठा, वाहन पर बैठा उस पर दृष्टि नहीं जाती, देह पर दृष्टि रहेगी तो देव पर कैसे होगी, जब देह से दृष्टि हटे तब देव पर दृष्टि जाए। शंकर जी का परिचय हुआ, होने के लिए जो मुड़े, किसकी हिम्मत सो आरती उतारे, सांप और भयंकर वेश बिडल, और ऐसी स्थिति हुई कि माताओं ने आरती की थाली पटक दी, जल से भरा कलश पटक दिया, घर के भीतर दरवाजा बंद। और शंकर जी वैसे ही प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम। अब देवताओं को दुख भी हो और हंसी भी आवे, एक ने कहा कि बाबा चलो अब चलें, शंकर जी बोले कहां, बोले घर चलो और कहां चलने का विचार है, का इतना बड़ा अपमान हुआ। शंकर जी बोले हमें नहीं लगा ये अपमान नहीं कि दूल्हा दरवाजे पर खड़ा हो, ससुराल वाले घर का दरवाजा बंद कर ले। शंकर जी बोले ये तो देश देश की रीत होती है, शायद यहां की ऐसी रीत होती हो। अरे कहा कि महाराज आपकी सास ने आपको देखकर आरती की थाली गिरा दी, ये अपमान नहीं है? शंकर जी बोले बिल्कुल नहीं, हमारी सास माता बड़ी समझदार हैं, उन्होंने देखा कि जब जिनके सिर पर स्वयं चंद्रदेव प्रकाश दे रहे हों, चंद्रमा चमक रहे, उसे आरती का एक दिया क्या दिखाना, इसलिए थाली नीचे गिरा दी। और गंगा जी को देखा तो जल से भरा कलश गिरा दिया, ये तो सम्मान हुआ है। कहा ये डर क्यों गई? फिर शंकर जी बोले हमें देखकर नहीं डरी, सांप को देखकर डर गई। काल जिन्हें दिखाई देता है वे डरते ही हैं, लेकिन अगर हमें देख लेती तो डर चला जाता, क्योंकि काल के ऊपर ही महाकाल है, करालम महाकाल कालम सुकालम। और शिव जी का स्वरूप क्या है? काल से भी ऊपर, यही सदगुरु का स्वरूप है, समता में सदा, मान अपमान का आभास ही नहीं, वहां अहंकार ही नहीं, वहां तो नित्य प्रसन्न, नित्य प्रसन्न। ऐसे सदगुरु तो भगवान के भी भगवान हैं, इसीलिए भगवान भी उनको प्रणाम करते हैं। किसी ने कहा कि बाबा माता मैना बहुत दुखी हैं, बेटी को गोद में बिठाए कि यह क्या हो गया? नारद जी से कहा कि जाकर समझाओ, नारद जी बोले अब हम नहीं जाएंगे, हमारी बात मानेगा कौन, हमारे साथ भेजो किसी को। सप्त ऋषि गए नारद जी, तब नारद जी ने कहा कि माता क्या हुआ, हमें आपकी बात समझ में नहीं आई, हमें आपकी बात समझ में नहीं आई। नारद जी बोले उस दिन भी तो नहीं आई थी, आपने हिमांचल
राज जो आपके पतिदेव हैं उनसे आपने कहा था नाथ न मैं समझे मुनि बैना, समझे नहीं थे? हाँ नहीं समझे थे। तो कहा कि यह किसने कहा है कि सदगुरु के वचन को समझ लो, वह बुद्धि से परे है जिसको वो समझा रहे हैं। तो फिर का सदगुरु के वचन को समझने की महिमा नहीं है, सदगुरु के वचन पर विश्वास की महिमा है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। तो हमें समझ में बोले समझने की कोशिश करोगे तो परेशान हो जाओगे, और विश्वास कर लोगे तो परमात्मा तक शिष्य को नहीं पहुंचना पड़ेगा, शिष्य तक परमात्मा पहुंचेगा अगर सदगुरु के वचन पर विश्वास। देखो आज शंकर जी स्वयं चलकर आए, तब मैना हिमवंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। ये देह दृष्टि के कारण सारा द्वंद है, देह दृष्टि हटाओ। जिसे तुम अपनी बेटी समझ रही हो, मैना सत्य सुनो मम वाणी, जगदम्बा तव सुता भवानी। यह तो भगवान शिव से अभिन्न है, यह आत्म तत्व परमात्म तत्व से अभिन्न है। देह दृष्टि का त्याग करो अभी द्वंद मिटे। देह दृष्टि रखेंगे तो द्वंद, और स्वरूप दृष्टि हो जाए तो आनंद ही आनंद। यही सदगुरु के वचन का फल। और तब पूरी अनुकूलता दिखाई पड़ी, भगवान शिव पार्वती जी का पावन पाणिग्रहण ग्रहण हुआ और दोनों मिले। और दोनों जब मिल गए विवाह के बाद कैलाश पर्वत पर वट वृक्ष के नीचे आसीन हुए। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। अब यहां श्रद्धा और विश्वास के रूप भगवान भवानी शंकर हैं। तब शंकर जी ने कथा कही, पार्वती जी ने सुनी और उस कथा से कल्याण हुआ। लेकिन इनमें दो, श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए और सुनने के बाद विश्वास करना चाहिए, यही जीवन की धन्यता है। इसलिए सदगुरु के प्रति श्रद्धा होगी तो उनके वचन पर विश्वास होगा, और सदगुरु वचन पर विश्वास से ही जीव का कल्याण होगा। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यहाँ ना विषय के आसा। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम।
श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।